कोटा के किशोरपुरा स्थित छप्पन भोग परिसर में दो दिवसीय वरिष्ठ जन और दिव्यांग जन पंजीकरण शिविर का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय की ओर से शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगों का हौसला अफजाई किया, साथ ही 60 साल से अधिक की उम्र वाले लोगों को कई उपकरण दिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिल्ली के द्वारा निशक्त जन और वयोवृद्ध श्री योजना के तहत हम सभी निशक्त जनों को उसके सहयोग के लिए यंत्र उपलब्ध कराने का काम करेंगे। उसी के साथ साथ जो 60 साल से उम्र से ज़्यादा हो गए वह वयोवृद्ध श्री को, जो कहीं ना कहीं शरीर में थोड़ी दुर्बलता आ जाती है, कमी आ जाती है, उसको सहयोगी यंत्रों की आवश्यकता होती है, उसको सहयोगी यंत्र की उपलब्धता कराएंगे। हम चाहते हैं कि समाज में निशक्तजन हो या वयोवृद्ध हो, उसके लिए ये मंत्रालय उसके साथ खड़ा है, ताकि हम उसको सामाजिक आर्थिक रूप से भी मजबूत कर सकें, उसकी जीवन के अंदर जो कुछ भी कमी है उसके सहयोगी के रूप में ये यंत्र काम करेंगे, डिपार्टमेंट साथ करेगा। इसी के साथ साथ जो विकलांग यहाँ पर आए हैं, उन विकलांगों की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है, कहीं नहीं मोटराइज साइकिल हुई, व्हीलचेयर हुई, उन मोटराइज साइकिल के माध्यम से वो विकलांग व्यक्ति अपना रोजगार कर पाएगा, एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा, और उसको ऋण दिलाकर हम किस तरीके से आत्मनिर्भर कर सकें उसकी भी कार्य योजना बनाएंगे। इसके साथ ही लोकसभा स्पीकर ने विकलांग लोगों से उनका हालचाल जाना, उनको उनकी जरूरत के उपकरण दिए ताकि उन्हें अपनी रोजी रोटी चलाने में आसानी हो सके। इस दौरान लाभार्थियों ने भी लोकसभा स्पीकर का आभार जताया और खुशी जाहिर की। लाभार्थियों को 28 उपकरण भेंट किए गए। पंजाब केसरी टीवी राजस्थान के लिए कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।